हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अमित गुप्ता, आस्था होम्योपैथिक क्लिनिक, सथरिक रोड चिन्हट से। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सभी को सबसे पहले हम स्केलेटन सिस्टम के बारे में बताने जा रहे हैं। इसके पहले आप लोगों को एनाटॉमिकल पोजीशन और कुछ चीज़ बेसिक जानकारियाँ स्केलेटन सिस्टम के बारे में हमने दी थी। आज आप सभी को स्केलेटन सिस्टम के अंतर्गत जो ह्यूमन स्केलेटन में जो बोन्स पाए जाते हैं उसको सुपरफिशियली आप लोगों को समझाने वाला हूँ। सबसे पहले आप देखें कि इस फिगर को देखें, क्रेनियम। क्रेनियम यानी खोपड़ी। खोपड़ी के अंतर्गत आपको कई बोन आएंगे जिसको हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे, और इसके पहले बाद में हम देखते हैं कि एक फ्लैट बोन जो कि स्कैपुला दिख रही है, जिसको हमने आपको बताया था टाइप्स ऑफ बोन में कि स्कैपुला इसका एग्जाम्पल है। इसी के साथ साथ आपको वर्टिब्री दिख रही होगी, पूरा वर्टिब्रल कॉलम। ये तो जहाँ पे एरो लगा है ये वर्टिब्रल, तो सर्वाइकल वर्टिब्रा है, और पूरे वहाँ से लेकर के और नीचे तक पेल्विक रीजन तक आपको जो है वो मिल जाएगा। वो पूरी वर्टिब्री आपकी दिखेगी, यानी कि उसको बोल देते हैं वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में आपको सर्वाइकल के 7 बोन, थोरेसिक के 12, लंबर के 5, कोकेक्स एक 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 और सैक्रम एक बोन। इसी क्रम में अगर आप फिर नीचे स्कैपुला से नीचे बढ़ते हैं तो आपको एक ह्यूमरस बोन जो कि लांग बोन का एग्जाम्पल है। इसी के साथ साथ आप दोनों साइड में आप एक हॉरिजेंटल बे बोन को देखते हैं जिसको बोलते हैं क्लैबैकिल। आगे अभी क्लैबैकिल को डिस्कस करेंगे। रिप्स यानी कि थोरेसिक केज जो है वो रिप्स से बनी हुई है। रिप्स और कास्टल कार्टिलेज का, रिप्स के थ्रू, क्रास्टल कार्टिलेज के थ्रू रिप्स पे जुड़ी हुई होती हैं, और ये जो है स्टर्नम से जुड़ी हुई होती हैं। स्टर्नम भी आपका ये जो है कौन से बोन का एग्जाम्पल है, स्टर्नम आपका फ्लैट बोन का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से हम आगे ह्यूमरस के जस्ट बाद आप रेडियस और अल्ना दो बोन देखते हैं। लेटरल साइड में आपकी रेडियस बोन, मीडियल साइड में आपकी अल्ना बोन होती है। इसी के साथ में फिर आगे हम बढ़ते हुए देखते हैं कि हमको हमको जो है आप लोगों के सामने रेडियस अल्ना के जस्ट बाद आपको कार्पल, मेटाकार्पल एंड फैलेंजेस बोन दिखाई पड़ रही है। और कार्पल बोन 8 बोन होती हैं, उसको हम आप लोगों को बाद में पूरी कार्पल बोन्स को डिस्कस करेंगे आगे की, अभी जो है जब आगे का फिगर आएगा उसके बाद। फिर हम देखते हैं नीचे एक पेल्विस बोन जो कि जिसको बोलते हैं कि इलियम, इस्टियम एंड प्यूबिक, यानी 3 बोन से मिलकर के आपका पेल्विस बना हुआ है, जिसको हम बोलते हैं श्रोणि मेखला। ऊपर वाले को अंश मेखला बोलते हैं, स्कैपुला वाले रीजन को जो बनाता है, और नीचे श्रोणि मेखला बोलते हैं जिसको बोलते हैं पेल्विक गर्डल। अब उसके जस्ट नीचे देखते हैं आप एक सबसे शरीर की सबसे मजबूत और लंबी बोन पाई जाती है जिसको हम फीमर बोलते हैं। फीमर हमारी फीमर के जस्ट नीचे एक पटप्लेट या फिर कैप, नी कैप, यानी ये कैप के आकार की एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम पटेला बोलते हैं। पटेला के जस्ट नीचे आपको 2 बोन दिख रही होगी, एक टीबिया है और एक फिबुला। एक मोटी बोन है उसको टीबिया बोलते हैं, पतली वाली बोन जो होती है उसको फिबुला बोलते हैं। इसके जस्ट नीचे टार्सल, मेटा टार्सल एंड फैलेंजेस, टैलस बोन आपको दिख रही होगी, वो आपको टार्सल, मेटा टार्सल और फैलेंजेस, जैसे हाथ में कार्पल, मेटा कार्पल एंड फैलेंजेस। आप फिर इसी फिगर के माध्यम से फिर से समझने का एक बार फिर से प्रयास करें कि इसमें आप जैसे ही देखेंगे तो आपको क्रेनियम यानी कि खोपड़ी, और दूसरा आपको स्टर्नम दिख रहा है, तीसरी बोन आपको ह्यूमरस, चौथा बोन आपका रेडियस, पांचवा अल्ना, छठा बोन आपको जो है प्यूबिस यानी कि पेल्विक गर्डल के बोन दिख रहे हैं, सातवें में आपको जो है कार्पल बोन्स दिखाई पड़ रहे हैं, और इसके बाद आठवें में कार्पल के बाद फैलेंजेस, जबकि कार्पल के बाद मेटा कार्पल होते हैं, फिर फैलेंजेस होते हैं। आगे फिर आपको फीमर दिख रहा है, फीमर के बाद पटेला बोन है, पटेला के बाद जस्ट नीचे टीबिया है, फिबुला एंड टार्सल बोन, टार्सल, मेटा टार्सल एंड फैलेंजेस। अगर इसी क्रम में आप आगे बढ़ते समय आप इसको देखें तो आपको ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम का जो ये बोन आपको साइड से एंड जो है फ्रंट व्यू में आप कुछ बोन देखना चाहते हैं तो देखें आप इसको थोड़ा सा जूम करके, तो इसमें आपको फ्रंटल बोन दिख रहा, फ्रंट साइड में पाए जाने वाला फ्रंटल बोन,
टेम्पोरल लीजन साइड में अभी इसको क्लियर करेंगे पूरा। टेम्पोरल लीजन में टेम्पोरल बोन, अगर नाक वाली हड्डी जो है उसको नेजल बोन बोलते हैं, उसके जस्ट नीचे जो उसके साइड में दोनों जाइगोमेटिक बोन है, नीचे जस्ट आते हैं तो क्लेविकल बोन आपको दिखती है, और उसके नीचे आपको थोरेसिक केज में आपको स्टर्नम दिख रही है, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल एंड फाइलेंजेस। इसी तरीके से आप देखते हैं कि अगर इस साइड में देखें तो दूसरे जो साइड बाई स्केल्टन सिस्टम खड़ा हुआ है उसमें मैक्सिला और मैंडिबल एकदम क्लियर, मैंडिबल मतलब जबड़ा होता है और मैक्सिला जो है नाक की दोनों साइड में जो होता है यहाँ पर ये मैक्सिला बोन है। आगे फिर नीचे की तरफ हम बढ़ते हैं, पूरे वर्टिब्रल कॉलम को हम देख लेते हैं। पूरा थोरेसिक केस कॉस्टल कार्टिलेज से बना हुआ है और रिब से, ठीक है। इसके साथ साथ आपको इलियम, इस्टियम एंड प्यूबिस बोन मिला करके आपको आपकी श्रोणि मेखला यानी कि पेल्विक गर्डल बना रही है। नीचे आपको मिल रहा है फीमर बोन, फीमर के जस्ट नीचे पटेला, पटेला के बाद टीबिया, फिबुला, और नीचे एड़ी की हड्डी जो उसको कैल्केनियम बोलते हैं, टार्सल, मेटाटार्सल और फैलेंजेस देखिए यहाँ पर क्लियरली आपको दिखाया गया है। फिर आगे हम इसी टाइप का इंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्केलेटन सिस्टम को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि फ्रंटल बोन एंड जाइगोमेटिक बोन, इसके साथ पेराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, मैंडिबल, ये सारा मिल करके, मैंडिबल और मैक्सिला मिल करके ये आपका खोपड़ी बनाता है, स्कल बनाता है। इसी के साथ साथ थोरेसिक केज क्या बनाता है यानी रिब केज क्या बना रहा है, आपका स्टर्नम और आपकी जो रिब्स हैं, इसके साथ साथ आपका क्लेविकल, स्कैपुला एंड कास्टल कार्टिलेज, ये पूरा मिलाकर थोरेसिक केज का निर्माण करती हैं। आगे फिर हम बढ़ते हैं कि अगर कोकेक्स की बात करते हैं कि ऑस की बात करते हैं तो इलियम, इस्टियम एंड प्यूबिस से तीन बोन मिला करके पेल्विक बोन को बना रही हैं। इसके बाद इसके साथ साथ नीचे हमने सारी बोन को डिस्कस किया है, इसको आप एक बार देख लीजिए। फिर आगे हम देखिए आप सभी को फिर बता रहे हैं कि स्कल ये पूरा हो गया, स्कल में आपका क्रेनियम हो गया, फेसियल बोन हो गई, थोरेसिक केज होगा, वर्टिब्रल कॉलम, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर व्यू से एकदम क्लियरली आपको दिख रहा होगा। आगे की क्लास में सबसे पहले आप सभी को हम स्कल का जो एक फिगर है उसको दिखाना चाहते हैं। देखिए स्कल कैसे होता है, खोपड़ी। सबसे पहले देखिए स्कल में जो आपका फ्रंटल बोन सबसे ऊपर मत्था जिसको बोलते हैं, माथ बोलते हैं हम लोग, फ्रंटल बोन ये माथ है। इसके बाद आपको नेजल बोन देखने को मिल रहा है, स्फिनॉइड बोन आपको देखिए एकदम क्लियरली देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ लेक्राइमल ग्लैंड मतलब लेक्राइमल बोन जो कि अश्रु ग्रंथि का बोन होती है वो दिख रहा है। जाइगोमेटिक देखिए दोनों साइड में जो इसे थोड़ा सा उभार चेहरे पे साइड में दोनों साइड में चीक्स के ऊपर जो है थोड़ा सा उभार रहता है उसको जाइगोमेटिक बोन बोलते हैं। नाक के जस्ट नीचे जो है बोमर बोन है और मैक्सिला आपको देखने को मिल जाएगा, बोमर बोमर ये नाक के साइड में दोनों, और उसके नीचे जो है ये जहाँ पर ये थोड़ा सा नाक के जस्ट नीचे साइड में आपको बोमर बोन मिल जाएगा। इसी के साथ साथ आपको मैक्सिला मिल गया एंड मैंडिबल इतना जबड़ा मिल जा रहा है, टेम्पोरल बोन भी इसमें देखने को आपको मिला है, और इसके बाद टेम्पोरल के साथ साथ आपको इसी के साथ साथ आपको पेराइटल, टेम्पोरल एंड मैंडिबल और कोरेनल सूचर, तीन प्रकार तीन सूचर अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आप इसमें और क्लियरली आप देख सकते हैं कि इसमें देखिए आपको फ्रंटल और स्फिनॉइडल, एथमोइडल, नेजल बोन, लैक्राइमल, जाइगोमेटिक, मैक्सिला, मैंडिबल, टेम्पोरल बोन, ऑक्सीपिटल बोन एंड पेराइटल बोन, इस फिगर के माध्यम से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। देख लीजिए आपको फ्रंटल बोन और ये देखिए स्फिनॉइड, लेटरल साइड में आप देखिए लेटरली अगर व्यू देखते हैं तो आपको एकदम क्लियरली दिख रहा है। इसी तरीके से एथमोइड बोन है, नेजल बोन नाक की हड्डी जिसको बोलते हैं, लेक्राइमल अश्रु ग्रंथियाँ, जाइगोमेटिक बोन एंड मैक्सिला, देन मैंडिबल एंड टेम्पोरल लीजन में पाए जाने टेम्पोरल बोन दोनों साइड में, पेराइटल बोन एक साइड का दिख गया उधर लेटरल साइड में उधर हो जाएगा एंड ऑक्सीपिटल बोन एक है, ठीक है। आगे फिर हम बढ़ते हैं इसी को फिर देख लेते हैं, इसमें तीन सूचर को क्लियर करना है हमको। पहले हमारा उद्देश्य यह है कि एक कोरोनल सूचर है और दूसरा आपको देखने को मिल रहा है स्क्वेमस सूचर कुछ एस के आकार का है, और एक है लैम्बॉइडल सूचर। तीन सूचर, एक तो कोरोनल सूचर, दूसरा स्क्वेमस सूचर और तीसरा जो है लैम्बॉइडल सूचर, और बाकी की बोन सारी वही बताई गई आपको। आगे फिर इसमें फिर वही है, वही यही स्कल के ही बोन्स के बारे में सारा बताया गया जो अभी हमने पहले डिस्कस किया आपको।
अब इसमें इस फिगर में आपको एंटीरियर लेटरल साइड और बेस ऑफ द स्कल को बताया गया। देखिए बेस ऑफ द स्कल्स में आपको जाइगोमेटिक बोन एकदम क्लियरली दिख रही है, इसी तरीके से स्फिनोइड बोन भी एकदम क्लियरली दिखती है, बोमर बोन दिख रही है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल दिख रहा है, मैस्टोइड प्रोसेसेस एंड ऑक्सीपिटल बोन एकदम क्लियरली आपको दिखती है। आगे फिर बढ़ते हैं कि हम सबसे पहले क्लेविकल बोन के बारे में पढ़ रहे हैं। क्लेविकल बोन ये हमारा राइट क्लेविकल का एंटीरियर एंड जो है पोस्टीरियर दोनों व्यू है। अगर हम क्लेविकल को सबसे पहले देखते हैं तो क्लेविकल बोन जो हमारी है उसके दो इंड होते हैं, उसको बोलते हैं एक्रोमियल इंड और बोलते स्टर्नल इंड। एक्रोमियल इंड आप देख रहे हैं, एक्रोमियन प्रोसेस एंड स्टर्नल प्रोसेस, ये दो प्रोसेसेस होते हैं। एक्रोमियन प्रोसेस और इसको बोलते हैं एक तरीके से हम कि यहाँ पर स्टर्नम, यानी कि यहाँ से यहाँ स्टर्नम का कुछ पार्ट आता होगा और यहाँ पर एक्रोमियल प्रोसेस जो आप किसका आपका जो है स्कैपुला का एक्रोमियन प्रोसेस जो है जा करके जुड़ जाता है। ओके, और इसमें देखिए कुछ आपको ट्रेपीजाइड लाइन और सब क्लेबियन ग्रुप, कोराइड ट्यूबरकल, कॉस्टल ट्यूबरोसिटी, एक्चुअली में यहाँ कुछ बोन्स का अटैचमेंट, कुछ मतलब सॉरी मसल्स का अटैचमेंट होता है, उसी के नाम पर इनको इनका नाम रखा गया। ट्रेपीजॉइड लाइन वहाँ पे कुछ ट्रेपीजॉइड मसल्स, सब क्लेबियंस मसल्स, ठीक है, कॉस्टल कार्टिलेज, कुछ कॉस्टल भी कार्टिलेज की ट्यूबरोसिटी, कुछ कॉस्टल बोन्स का भी घुमाव अभी आगे देखेंगे, आप सब कुछ देखने को मिलेगा। इस तरीके से आपको ये राइट क्लेविकल का जो है इन्फीरियर व्यू आपको देखने को मिल रहा है। आगे फिर देखिए ये क्लेविकल का फ्रैक्चर आपको दिखाया गया है। क्लेविकल का फ्रैक्चर एक्चुअल में ये देखने को जो आपको मिल रहा है, क्लेविकल का फ्रैक्चर ये बहुत ही रेयर है और बहुत ही मतलब कम देखने को आपको मिलता है क्लेविकल के फ्रैक्चर। आगे की आप देखिए, आपको इसमें एकदम क्लियरली आप देखिए, आप इस उसको क्या बोलते हैं क्लेविकल को देखिए, क्लेविकल का एक इंड देखिए स्टर्नम के अपर पार्ट से जुड़ा हुआ ना, स्टर्नल इंड ये हो गया, और अगर उस साइड में देखें ह्यूमरस के जस्ट ऊपर जो जुड़ा हुआ है उधर देखिए एक्रोमियन इंड हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारा उद्देश्य था आपको ये फिगर दिखाने का। इसी के साथ साथ ये भी वही वही चीज़ है जो आपको, अब इसमें कुछ चीज़ें आपको अलग से दिखाई गई, जैसे एक देखिए आपका जो ये स्टर्नम है इसके नीचे एक जिफी पॉइंट प्रोसेस होता है, बॉडी ऑफ स्टर्नम है और एंड मेनुबिरम आप स्टर्नम के पार्ट कई होते हैं तो उस पार्ट को इसमें बताने का प्रयास किया गया है। तो एक स्टर्नम का जो पार्ट होता है मेनुबिरम स्टर्नी, उसके बाद होता है बॉडी ऑफ स्टर्नम एंड जिफाइड प्रोसेस, और इस स्थान को जो कॉस्टल के नीचे देखिए जिफाइड प्रोसेस के नीचे कॉस्टल की एंगल बना हुआ है, इसको बोलते हैं कॉस्टल एंगल। इसके अलावा रिप्स है, सेकेंड रिप्स, थर्ड रिप्स, ये एक दूसरे दोनों दोनों रिप्स के बीच का जो स्पेस होता है इंटरकॉस्टल स्पेस कह देते हैं हम, ठीक है ना। वो सब सारी चीज़ें तो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी क्लियर करेंगे। फिर आगे हम सबसे पहले ह्यूमरस बोन को आप आगे देखते हैं। देखिए ह्यूमरस बोन को हमने आप सभी को बताया था कि इट इज एग्जाम्पल ऑफ द लॉन्ग बोन। देखिए यहाँ पर ह्यूमरस बोन का एक अपर इंड है, एक नीचे लोअर इंड है, ठीक है, तो हेड है और नीचे जो है उसका लोअर पार्ट है। अब ऊपर की तरफ देख रहे हैं एक्रोमियल नेक है, नीचे आप देख रहे एक सर्जिकल नेक, सर्जिकल नेक, यहीं से ह्यूमरस का सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर होता है, गिरने पर टूटने पर सबसे ज़्यादा सर्जिकल नेक से ही फ्रैक्चर इसका होता है। इसके बाद यहाँ पर दो तीन ट्यूबरकल पाए जाते हैं, एक तो ग्रेटर ट्यूबरकल, एक लेसर ट्यूबरकल और इंटर ट्यूबरकुलर या बाई ऑक्सीपिटल ग्रूव, एक हल्का सा गड्ढा टाइप का होता है। नीचे अगर देख लेते हैं तो यहाँ पर आप देखें डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी दिख रही है, डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी पर यहीं पर इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर डेल्टॉइड मसल्स का अटैचमेंट होता है और मसल्स जब भी इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन लगाया जाता है तो डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी पर इंजेक्शन लगाया जाता है। अब आगे फिर हम देखते हैं बॉडी या सेफ्ट इसको हम कहते हैं। लेटरल साइड में आप देखिए लेटरल कंडाइलर रिज और मीडियल साइड में आपको मीडियल कंडाइलर रिज, आप दोनों साइड में आप देखेंगे दोनों साइड में एंटीरियर राइट राइट और राइट का एंटीरियर एंड पोस्टीरियर व्यू देख रहे हैं अगर आप, तो आपको पता चल रहा होगा कि देखिए एंटीरियर व्यू में कोरोनाइड फोसा एकदम क्लियरली दिख रही है और इसके बाद आपको कैपिटुलम दिख रहा है और इसके बाद हेड ऑफ रेडियस यहाँ से जुड़ी हुई है, कोरोनाइड प्रोसेस ऑफ अल्ना कैसे जुड़ी हुई है, अल्ना नीचे वाली बोन,
और यहाँ पर आपको देखिए ओलोक्रोनस फोसा और लेटरल एपिकेंडाइल हेड ऑफ द रेडियस। देखिए रेडियस का हेड जो होता है वो राउंड राउंड होता है रेडियस बोन का। ये देखिए आप रेडियस एंड अल्ना बोन, आप देखिए लेटरली आपको रेडियस बोन दिख रही होगी जो देखिए दोनों ऊपर दोनों साइड में मिला करके एक प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर ज्वाइंट बनाती है। देखिए प्रोक्सिमल यानी ऊपर की तरफ, डिजिटल मतलब डिजिट्स की तरफ, फैलेंजेस की तरफ। तो एक ये दो ज्वाइंट भी बनाती है रेडियस और अल्ना मिलकर प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर ज्वाइंट, नीचे नीचे जो है डिजिटल रेडियो अल्नर ज्वाइंट। इसके बाद इसमें कुछ ओलिक्रेनन प्रोसेस है, ट्रोक्लियर नाच है, अल्ना आपकी बोन दिख ही रही है। यहाँ पर कुछ दोनों मसल्स के बीच, दोनों के बीच में देखिए कुछ मसल्स का अटैचमेंट होता है, कुछ इंट्रोसियस मेम्ब्रेन्स पाए जाते हैं जो कि एक दूसरे को वो बांध करके रखते हैं। ओके, आगे आप अपने हाथ में देख लीजिए कि कैसे रेडियस और कैसे अल्ना आपको देखने को मिल जाएगा। आगे फिर हम बढ़ते हैं कार्पल, मेटा कार्पल एंड फैलेंजेस को। देखिए आपकी छोटी छोटी ये बोन्स जो दिख रही है डिजिट्स, ठीक है, नीचे साइड में, इस बोन्स के नाम हैमेट है, फिसिफॉर्म है, ट्राइक्वेट्रम है, लियोनेट है, कैपिटेट है, ट्रेपीजॉयड है, ट्रेपीजियम है, स्केफाइड है। इसको ऐसे याद करते हैं, श्याम लाल टिंडे पकाए टिंडे तू कच्चे हैं, इस तरीके से याद कर लेते हैं। उसको हम क्लास में याद करवा देंगे, आप सभी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप ऐसे लिख दीजिए, श्याम लाल, एस श्याम, फिर लाल लियोनेट, एस से श्याम, एल से लाल, टी से ट्रेपीजियम, ट्रेपीजॉयड, फिर टी से श्याम लाल टिंडे पकाए टिंडे तो कच्चे हैं, श्याम लाल ने टिंडे पकाए टिंडे तो कच्चे हैं। इस तरीके से आप कुछ याद कर लेंगे। इसके बाद आपको मेटाकार्पल, कार्पल एंड फैलेंजेस, ये आपको सारी बोन्स दिख रही है ना। आप देखिए, अगर हम देखें दो मेटाकार्पल, देखिए मेटाकार्पल दिख रहा है, अब आगे प्रोक्सिमल फैलिंग से, फिर आगे एकदम आगे वाला डिजिटल फैलिंग से, इस तरीके से आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। तो श्याम लाल टिंडे पकाए टिंडे तो कच्चे हैं, ऐसे आप याद कर लेंगे आठों कार्पल बोन्स के नाम। ओके, इसके बाद अब आप पूरी रिब्स की बात कर लेते हैं। देखिए हमारी जो रिब्स होती है, सारी रिब्स कह रहे हैं, वर्टिब्रल कालम जो होती है, वर्टिब्रल कालम हमारी जो है वो पूरी क्या बोलते हैं, ये आपको दिखाई गई है कहाँ कहाँ क्या क्या कर्व बना रही है। देखिए सर्वाइकल में आपके सात बोन होती हैं, इसका सर्वाइकल कर्व है। इसी तरीके से थोरेसिक में आपके 12 बोन्स और लंबर रीजन में 5 बोन, सैक्रम जो है 5 बोन मिलकर के एक बोन फ्यूज हो जाती है, एक बनाती है, और इसी तरीके से कोकेक्स एक, ठीक है। अब इन थोरेसिक में अगर देखेंगे इन सारे बीच में इन सब दोनों दोनों कर्व या दोनों की क्या बोलते हैं उसके बीच में एक स्पेस होता है, जिसको बोलते हैं इंटर वर्टिब्रल डिस्क। दो वर्टिब्री के बीच में एक स्पेस होता है, उसको बोलते हैं इंटर वर्टिब्रल स्पेस या इंटर वर्टिब्रल डिस्क भी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसको ऐसे डिनोट करते हैं, C1 से लेकर C7 तक, T1 से लेकर T12 तक, L1 से लेकर L5 तक, और सैक्रम, फिर कोकेक्स। आपको क्लियर हो गया, C1 से लेकर C1 C से C7 तक सर्वाइकल वर्टिब्रा, T1 से लेकर के T12 तक थोरेसिक वर्टिब्रा, और L1 से लेकर के L5 तक आपका लंबर, फिर सैक्रम और कोकेक्स। आगे फिर आते हैं बेटा श्रोणि मेखला पर। श्रोणि मेखला को देखते समय सबसे पहले हम ये चीज़ ध्यान देखते हैं कि ये 3 बोन से मिलकर बनी हुई है, एकदम क्लियरली आप देख रहे हैं, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। ओके, आप देखिए इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, ये देखिए उससे भी बड़ा थोड़ा सा एक फिगर आपको दिख रहा होगा, एंड इलियक क्रिस्ट। देखिए यहाँ पर कुछ मसल्स का अटैचमेंट होता है, इलियम, इलियम बड़ी हड्डी है, इस्चियम पे आप बैठते हैं, और प्यूबिक सिम्फाइसिस जो है दो बोन दोनों साइड का मिल करके ये प्यूबिक सिम्फाइसिस बनाती है, और एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ ये प्यूबिक सिम्फाइसिस जो है हार्मोनल इन्फ्लुएंस की वजह से फैल करके इजी बर्थ को जो है इजी बर्थ करवाती है, ठीक है। चाइल्ड डिलीवरी के समय इसकी अहम भूमिका होती है, ठीक है ना। आगे फिर हम देखते हैं सबसे लंबी बोन फीमर हमारी है, फीमर का जो नेक ऑफ फीमर है यहीं से सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर होती है, मोस्ट कॉमनेस्ट साइट है नेक ऑफ द फीमर, और इसको देखिए हेड बोलते हैं, नेक है, ग्रेटर ट्रोकेंटर, इसके बाद सेफ्ट है लोअर एंड में है, न्यूट्रिएंट फोरामेन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, लेटरल इपिकेंडाइल एंड मीडियल इपिकेंडाइल, लेटरल साइड में लेटरली, फिर
इपीकंडाइल मीडियम साइड में मिडली इपीकंडाइल, और इसी के साथ साथ आपको जो है इपीफाइसियल लाइन, और नीचे पटेलर सल्फेस यानी पटेला बोन, यहाँ पर पटेला बोन जो है आपको दिख जाएगी। फिर आगे हम बढ़ते हैं इसी क्रम में बेटा, इन ये फीमर को ही देख लिया आपने, फीमर ही है, एंड फिर देखिए पटेला को देखते हैं। पटेला बोन आपको दिख गई, ये पटेला है जिसको नी कैप बोलते हैं। पटेला बोन आपको दिख रही होगी जो कि पटेलर लिगामेंट टेंडन इन सब से ये जुड़ी हुई होती है। देखिए जो टीबियल फ्रैक्चर होती इस तरीके से कुछ होती है, टीबिया बोन आपकी मोटी है, फिबुला आपकी पतली होती है, या आप कंफर्म अपने आप दोनों नीचे वाली बोन अपने आप कंफर्म कर लेंगे। जब टीबिया आप याद करेंगे, टीबिया मोटी फिबुला पतली। आगे देखिए टीबिया फिबुला बोन्स एक दूसरे से जुड़ी हुई इंट्रोसियस मेम्ब्रेन से, इंट्रोसियस मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई है, ठीक है। लेटरल इपीकंडाइल, मीडियल इपीकंडाइल, एंड फिर आपका टार्सल बोन की बात करते हैं। देखिए टार्सल बोन, टार्सल बोन जो प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द फुट, 7 टार्सल बोन, टेलस है, कैल्केनियस है, क्यूबॉइड है, न्यूबिकुलर है, एंड 3 क्यूनिफॉर्म है, 1st, 2nd एंड 3rd। ये 7 टार्सल आपके बोन्स हो गए। टेलस है, कैल्केनियस है, और क्या है, क्यूबॉइडल है, एंड फिर क्या है, नेविकुलर है, और 3 क्यूनिफॉर्म बोन है, 1st, 2nd एंड 3rd। इट इज ऑल अबाउट आपका पूरा, देखिए एकदम क्लियरली इसमें नेबिक टेलस दिख रहा है। यही टेलस बोन भी फ्रैक्चर हो जाती है कभी कभी एक्सीडेंटल में, ज़्यादातर कैल्केनियस, ज़्यादा कैल्केनियस पे ही हम खड़े होते हैं, जिसको हम एडी बोलते हैं। और ये बोन जो है जब हम फाल वाल करते हैं, गिर जाते हैं, तो ये फ्रैक्चर हो जाती है। तो ये आपको हमने पूरा स्केलेटन सिस्टम के बोन्स को जो है हमने एक तरीके से एटलस का रूप दे करके और आप सभी के सामने हमने डिस्क्राइब किया। आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।